नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन के 86 में। और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स में क्यूब, जी हाँ, यानी कि घन। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो SBI का प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर SSC हो या फिर RRBPA हो, कुछ भी हो, या आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, देखो क्या है कि अभी SBI का एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज की जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है और रॉन्ग नंबर सीरीज का है क्वेश्चन या राइट सीरीज का क्वेश्चन था या फिर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इजीली कैसे बनेंगे जब आपके कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होंगे, है ना। तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए कि आपका स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जहां पे आपका जोड़ यानी कि एडिशन, घटाओ यानी कि सब्सट्रैक्शन, और या मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, और डिविजन यानी कि भाग, ये भी चार आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो इन सब चीजों को स्ट्रांग करने के लिए ही ये ऐसे वीडियो हम लेकर आपके लिए आ जाए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज देख रहे हैं हम 1 से लेकर 100 तक के क्यूब निकालने के सबसे आसान तरीके। ठीक है, देखिए इस बेल को, आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको सबसे मिल सके पहले। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए बात है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऐसे 4 से 5 ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका अहम रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और जैसे कि ये है हमारा पहला, जिसमें कि जिस किसी संख्या का पहला अंक 1 हो, है ना। अगर किसी संख्या, सपोज मान लो 11, 12, 13, 14, एटलीस्ट 19 तक ऐसे संख्या है जिनका पहला अक्षर क्या है, तो 1 है, है ना, तो 1 है, तो आपको इसका क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये जानेंगे पहला चीज। दूसरा चीज क्या जानेंगे कि ऐसी संख्या जिसका आखिरी अंक 1 हो, लाइक 11, 21, 31, 41, 51, ऐसुन, ठीक है, 101 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है, 301 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तीसरा हम कंडीशन क्या देखेंगे कि अगर किसी संख्या का दोनों अंक समान हो, लाइक 22, 33, 44, 55, इन सब के क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक है। और जो एक और है हमारा कि अगर किसी संख्या का दोनों अंक असमान हो, जैसे कि 45 हो गया, 56 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, कुछ भी, तो ये जब जान लेंगे तो हमारा सारा का सारा 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तो क्यूब निकल जाएगा, और वो भी बहुत इजीली। देखिएगा कैसे हम आपको बताएंगे, आप बस क्वेश्चन के साथ, सारे जो क्वेश्चन देंगे हम उसके साथ ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और एक है हमारा कि सूत्रों की सहायता से, यानी कि फॉर्मूला की सहायता से, ठीक है। अब फॉर्मूला जो है वो हम याद नहीं करेंगे, ठीक है, बस जान लेंगे कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये चार चीज अगर आप जान गए, 5 चीज जान गए, तो आपका किसी भी संख्या का क्यूब जो है बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले कंडीशन से, जिस संख्या का पहला अंक क्या है, 1 हो, ठीक है। तो सपोज मान लो 16 है ना, 16 का क्यूब निकालते हैं, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों का क्यूब लिख दो। 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चे, तो 216 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद नहीं है वो प्लीज इस क्वेश्चन को छुएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 तक तो एटलीस्ट चेयर बच्चों को भी याद रहता है क्वेश्चन क्यूब, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो एटलीस्ट याद रखिएगा। चलिए ओके, 1 का क्यूब मैंने लिख दिया 1 और 6 का क्यूब लिख दिया मैंने 216। अब क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा जो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है जो, उसका क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज यहां लिखेंगे और इसका जस्ट डबल कर देंगे यहां पे, सॉरी डबल नहीं, स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, ओके, गलती से बोल दिया, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें डबल करेंगे, ठीक है, तो 6 का कर दिया 12 और 36 का कर दिया बने 72। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो देखो सिर्फ यूनिट डिजिट ही आंसर आपका लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे 216 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब 36 और 72 को जोड़ोगे और प्लस ये जो 21 है इसका कैरी में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
21 कैरी आ जाएगा, तो अब इन सबको जोड़ दो तो देखो 6 1 7 2 9, 9 7 3 10, ठीक है। तो 10 जो है ये आ जाएगा इधर कैरी में, ठीक है। यहां देखो कैरी को मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में लिखा है, ठीक है, कैरी में लिखा। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ो तो 12 10 22 और 6 28, और दो देखो कितना हो गया, 12 6 18, 18 और 10 18 और 10 28, है ना। तो इसको लिखो आप 12 और 6 18। एक मिनट वेट, यहां पे देखो क्वेश्चन फिर से कैलकुलेट करो कितना है यहाँ पे कैरी, यहाँ पे कैरी है 12 है एक्चुअली। देखो ये 2 3 5, 5 और 7 12, है ना, 12 है यहाँ पे कैरी। तो 12 और 12 ये 24 हो गया, और 6 24 6 30 का शून्य कैरी कहाँ गया, तो यहाँ गया, तो 3 1 4, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। फिर से देखो समझ लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। 16 को आपने क्यूब निकालना है, तो पहला स्टेप इसका क्यूब 1 का और छठे का क्यूब, ये 216 लिख दिया। फिर जो सेकेंड डिजिट है इससे उठाएंगे इसको, एज इट इज लिखेंगे और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप इसका क्या करेंगे, हम डबल करेंगे इसका 72। अब इनको जोड़ देंगे, अब जोड़ने में सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लिखना है अपने को। तो ये 6 का 6 यहाँ पे आ गया, 21 जो है ये यहाँ पे कैरी में आ गया, तो जोड़ दो इनको। तो 6 2 8 1 9, तो यूनिट डिजिट 9 ही है ना, तो 9 लिख देंगे हम, ठीक है। पर आगे देखो 3 2 5 और 7 12, तो 12 कहाँ आ गया, तो यहाँ पे कैरी आ गया। अब देखो 12 12 24 और 6 30 का शून्य कैरी 3, तो 3 कैरी ऊपर आ जाएगा, 3 और 1 4, दिस इज योर आंसर। देखा कितनी इजीली, अगर आप यही चीज कैलकुलेशन अपने पुराने मेथड से करते तो ऐसे करते, 16 को 16 से गुना करते, 256 को फिर 16 से गुना करते, तब जाके आपको 496 आता, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, पर यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजीली हो गया है। तो देखो क्यूब निकालने के लिए एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, सपोज 11 है ना। अब देखो 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1, और ये जो सेकेंड डिजिट उठाएंगे इसका स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे और इसका स्क्वायर 1, ठीक है ना। अब इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब इनको जोड़ दो 1 3 3 1, आंसर, ठीक है। उसी तरह एक और ले लेते हैं, चलो 14 का क्यूब लेते हैं, या फिर हाँ चलो 14 का ही लेते हैं। 1 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ओके। अब ये इसको मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे, ठीक है। स्टेप समझिएगा, सेकेंड डिजिट को एज इट इज लिखना है ना। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है, क्या कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको डबल कर दो 8 और ये 32। अब इनको जोड़ दो तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 6 जो है इसका कैरी जाएगा यहाँ पे। अब इनको जोड़ो 16 6 22, 22 और 32, 22 और 32 होते हैं बच्चे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, तो यानी 4 कैरी कितना गया, 5 और 8 4 12, 5 17, है ना, 8 4 12 और 5 17 कैरी 1 और 1 ये 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी कि 14 का जो क्यूब है वो 2744 होगा। समझ में आ गया आपको कि क्यूब कैसे निकालना है, जिस किसी संख्या का पहला ही अक्षर 1 है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड, ऐसी संख्या जिसका आखिरी अंक 1 हो, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मान लो एक ले लिया मैंने 21 लिया, ओके 21 लिया, तो 21 का क्यूब निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, देखो पहले का क्यूब यानी कि 8, दूसरे का क्यूब यानी कि 1, ठीक, ओके। अब ये जो 2 है ना पीछे से चलेगा, पहले क्या करते थे कि जो सेकेंड वाला उठाते थे, ठीक है, उसमें, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो आगे का है उसको उठाएंगे और उसको पीछे से लिखेंगे। तो 2 का 2 यहां मैंने लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 4, ठीक। चलो अब इसको क्या करेंगे, डबल दोनों को, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका 1, ये 4 2 6, 8 4 12 के 2 कैरी 1 जाएगा और 8 1 9, दिस इज योर आंसर। देखा कितनी इजीली बना, चलो
इसमें ध्यान दीजिएगा, 31 का निकालते हैं, ठीक है, 31 का, चलो 51 का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाओ, है ना। तो देखो 5 का क्यूब 125 लिख दिया आपने, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब क्या किया कि इस 5 को, जो पहले वाला 5 है, इसको पीछे से लिखा, इसका स्क्वायर किया तो यहाँ आ गया 25। अब इसका डबल कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10। तो दिस इज योर आंसर, 1, 10, 5, 15 के 5 कैरी 1, ठीक है, और 25 और 50 75 और 176 के 6 कैरी 7, और 125 और 7 132। दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, 31 वाला ही ले लो, ठीक है, 31 का ही ले लो, वो भी खत्म करो। 3 का क्यूब कितना होगा बच्चे, तो हो जाएगा 27। फिर 1 का क्यूब 1, फिर मैंने जो पहला डिजिट है उसको एज इट इज पीछे से लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया तो यह हो जाएगा 9। अब इनको डबल कर दो, 18 और ये 6, तो जोड़ के आएंगे कितने, 1 9 6 3 9 और 18 9 27 के साथ कैरी 2, और 27 और 2 कैरी 2 जाएगा, 27 2 29। दिस इज योर आंसर। तो ये भी समझ में आ गया होगा आई होप, मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको भी दिक्कत होगा वो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कोई सा भी संख्या उठाइएगा ऐसा जिसके पहले एक हो और जिसके लास्ट में एक हो, बन जाएगा, ठीक है, गारंटी है, और विद इन अ सेकेंड, ठीक है। इसको तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपका अगर ये ओरली प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप मुंह से ही बताने लोगों के कैलकुलेशन करके कि चलो यार तुम बता दो 21 का कितना होगा, तो क्या करोगे, इसका क्यूब 8 है, इसका क्यूब 1 है, ऐसा जोड़ दिया, इसका जिसका जोड़ दिया, फिर इसको मैंने स्क्वायर कर दिया 2 से, और उसके बाद नीचे जितना है उसका ट्रिपल से गुना कर, जोड़ दिया इसको, तो आ गया 9261। तो ऐसे भी आप ओरली कर सकते हो, कब, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस होगा बहुत तब, है ना, बहुत ही ज्यादा आपने क्वेश्चन बनाए होंगे तब, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन बना जाओ, जितने 100 है ना, 100 के क्यूब निकाल जाओ इस विधि से, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं पैटर्न, अब कोई और कुछ करना है, चलो एक और देख लेते हैं, 41 का क्यूब देख लेते हैं इसी मेथड से, ठीक है। तो चलो 4 का स्क्वायर कितना, क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है, और 1 का 1 पीछे से इसका एज इट इज लिख देंगे 4 को, और इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16। अब इसको डबल करेंगे तो 32, इसको डबल करेंगे तो 8। अब जोड़ो 8 8 4 12 के 2 कैरी 1, ठीक है, 32 और 16 48 1 49 के 9 कैरी 4, और 64 4 68। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे आंसर, ओके। तो याद रहेगा कैसे करना है, चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन है ना मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए कि नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, श्योर एंड गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक जो होता है ना वो लोग अगर प्रैक्टिस में नहीं देखे तो उसको लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है कि अगर किसी संख्या का दोनों अंक समान हो, लाइक हमने बात किया था कि 22 हो 11 हो 33 हो 44 हो 55 हो, ठीक है, 66 हो 77 हो 88 हो 99 हो, कुछ भी हो, है ना, या फिर 111 ही क्यों ना हो, 100 222 ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे संख्या का हम क्यूब कैसे निकालेंगे ये देखिए, अगर किसी संख्या का दोनों अंक समान हो तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो सपोज पहले बात करेंगे हम 22 की, इजी थोड़ा लेके चलते हैं क्योंकि समझने में और भी बच्चे हैं जो नए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला का क्यूब क्या है, 2 है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी हम करेंगे सब उल्टा पुल्टा, ठीक है। अब देखो ये तो समान है ना, तो दोनों ये 4 वर्ड में हमको लिखना है, 4 अंक में, तो 2 का क्यूब 8, 8, 8 और 8, ओके। इसका डबल किया, ये बहुत इजी है, 16, इसका डबल किया 16, 8 16 8, 24 के 4 कैरी 2, 16 8 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, और 8 2 10। दिस इज योर आंसर, ठीक। दूसरा देख लेते हैं 33 का, 33 का क्यूब कैसे निकालोगे, 27 27 27 27, ओके। अब क्या करेंगे, 54, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल क्या होगा 54, जोड़ देंगे इनको तो 7 कैरी गया 2, तो कितना हो गया, 7 4 11 2
7 4 11 2 13 के 3 कैरी, 5 2 7 1 8 कैरी, 8 गया यहाँ पे। हम देखो 8 4 12 और 6 18 1 19, 19 का 9 कैरी 1, 5 2 7 1 8, 8 गया यहाँ पे कैरी, ठीक है। तो 27 और 8, 27 और 8 कितने होंगे बच्चे, 35। जी हाँ, आंसर हो गया आपका दिस वन, 35 937, इसका 33 का स्क्वायर। तो देखो, कैलकुलेशन तो मुझे आता है फास्ट करना, आप कितना फास्ट कर सकते हो उसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस। एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछ लेगा कि इसका क्यूब क्या है, नहीं पूछेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके सिंप्लीफिकेशन या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये हेल्प करेगा आपको। सपोज मान लो कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, 2 8, ठीक है, 2 8 16, 32, तो ये सीरीज बढ़ रहा, तो आगे पूछ देगा कि इसका आगे क्या है, ठीक है। तो अब इसमें तो देखो 2 का क्यूब 8 है, पर 8 का क्यूब नहीं है, ये डबल हो रहा है यहाँ, इसका डबल। तो 2 3 आई सॉरी 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये तो सीरीज अलग हो गया, छोड़ो इसको, ये नहीं, ये सवाल नहीं, मैं क्यूब पे देना चाह रहा था कुछ, ठीक है। तो देखो 2 का क्यूब वो कितना हो गया 8, 3 का क्यूब ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा 27, ठीक है, 4 का क्यूब दे देगा 64, ठीक है। तो पूछेगा कि अगला संख्या क्या है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए ना कि 125 होगा, तो उसी तरह कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, है ना। तो हमें पता होना चाहिए क्यूब कैसे निकालते हैं, तो ये वहां आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हम देखते हैं, अगर किसी संख्या का दोनों अंक असमान हो, दोनों अंक क्या है, असमान हो। सपोज मान लो 23 है, इसका कोई बोल दिया कि क्यूब निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट का मैंने किया क्यूब तो हो गया 8, सेकेंड का क्यूब 27, इसको अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देखना, जहां पे असमान की बात है, ठीक है, देखो असमान और जो फॉर्मूला बेस्ड है वो लगभग आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर बन गया तो समझ लो कि कोई भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है कि पहला का स्क्वायर करना है और दूसरे से गुना कर देना है। क्या कहना है कि पहले अंक में स्क्वायर करना है और दूसरे से गुना कर देना है, ठीक। तो पहले का स्क्वायर हो गया 4 और गुना 3 तो 12, ओके। फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पे 4 स्टेप लिखना है अपने को, तो तीसरा स्टेप क्या करना है यहाँ पे कि दूसरे का स्क्वायर करना है और पहले से गुना कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 ना 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। अब इनका डबल कर दो 24, ये हो जाएगा 36। सेम प्रोसेस कर देना, जोड़ दो इनको, देखो यूनिट डिजिट आएगा 7, इनको जोड़ोगे तो इनका यूनिट डिजिट आएगा 6, और कैरी जाएगा कितना बच्चे, कितना जाएगा देखो, जोड़ के देख लो, ये 7 और ये 2 कैरी गया, तो 18 2 20, 20 और 6, 20 और 36 कितना हो जाएगा 56, की 6 कैरी गया 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 24 12 36, 36 और 5, 36 और 5 41, कैरी गया 4 8 और 4 12, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, कोई सा भी अब अंक लो, सपोज मैंने लिया 25 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, है ना, 25 का क्यूब, वैसे तो 125 आए, 25 का क्यूब तो ज्यादा होगा, ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले का क्या किया मैंने, क्यूब तो हो गया 8, ठीक है, दूसरे का क्यूब तो 125, ओके। अब क्या करना है कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है और दूसरे से गुना, तो 2 दुनी का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, ओके। अब इसमें क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 पहले वाले से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 50, ओके। अब इसका डबल कर दो तो हो जाएगा 40, और इसका डबल कर दो तो हो जाएगा 100। अब इनको जोड़ दो, अब जो यूनिट डिजिट ही आंसर में लिखेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा यूनिट डिजिट ही आंसर में लिखना है। अब बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कैरी में, ठीक है। तो 5 लिखा, कैरी गया 12, अब देखो 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा,
ओके अब ये है 5 1 6 6 और ये जोड़ दो इसको, 6 है ना, तो 6 यानी कि बचेगा आपका 116 बचेगा, ठीक है 16 कैरी आएगा, ठीक है जोड़ के देख लो, जैसे कि 100 है, 50 है और 12 है, तो ये 162 हुआ जिसमें से 2 लिख दिया और 16 इसका क्या हुआ, तो कैरी आ गया, ठीक है तो कैरी यहाँ पे आ गया, तो इसको अब जोड़ दो 40 20 60, 60 10 70 और 6 76 की 6 कैरी 7 और 7 7 14 15, ठीक है तो आंसर आपका इतना आ गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने कैलसी पे, पर कैलसी पे मत करना, क्रॉस चेक आप गुना करके करना, ठीक है ताकि प्रैक्टिस गुना का भी बढ़े आपका, ताकि आप क्वेश्चन जो है वहां पे कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़े आपको वो तक, ठीक है तो क्रॉस चेक हो गया, ये हमारा इतना आंसर आएगा। चलो एक एक और ले लेते हैं, सपोज मान लो मैंने 15 का क्यूब लिया, असमान है मतलब दोनों डिजिट समान नहीं है, तो पहले का क्यूब 1 होगा, दूसरे का क्यूब 125 होगा, फिर क्या किया, पहले का स्क्वायर गुने दूसरा तो 5 होगा, दूसरे का स्क्वायर गुने पहला तो 25 गुने 1 यानी कि 25 होगा, इनका डबल किया इनको 50 हो गया, ठीक है तो इसका लिखा मैंने यूनिट डिजिट 5, कैरी कितना आ गया 12, अब इस 12 को जोड़ दो तो 50 20 50 25 75, 75 और 10 85 और 2 87 के साथ कैरी आ गया 8, ठीक है और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 10 23, 23 के 3 कैरी गया 2, 2 और 1 ये 3, दिस इज योर आंसर 15 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये बच्चे आपका हो गया, अगर ऐसी किसी संख्या का क्यूब निकालना हो जिसके दोनों अंक असमान है, ठीक है ना, तो अब कोई भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हो। मैं बात कर रहा था, मैंने आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो वहां बात किया था कि 1 से लेकर 100 तक का किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से निकालने का तरीका, तो अगर आप देख रहे होंगे तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। ओके अब आ जाइए, एक है हमारा सूत्रों की सहायता से, ठीक है ना। चलिए और देखिए, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर वो टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वीडियो दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, सूत्र यानी फॉर्मूला ही होता है, ठीक है तो ए बी का क्यूब, तो हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब है ना प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, दिस इज योर फॉर्मूला, किसी का भी क्यूब निकाल लो इस फॉर्मूले में बैठा के, ठीक है किसी का भी फॉर्म, कोई भी संख्या का तुम निकाल सकते हो इसको, चाहे वो 10 हो 50 हो 100 हो 200 हो कुछ भी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं इस पे बिठा के, सपोज माना मैंने 59 का ओके क्यूब निकालना है, तो देखो 1 से लेकर तो आपको 10 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए, इसलिए क्योंकि 1 से 10 तक जो है वो बेसिक है, एकदम बेसिक बोले तो उससे ज्यादा अगर आप याद करो तो अच्छी बात है, पर जोड़ और जोड़ घटाओ तो आना ही चाहिए भाई, इतना नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता आपका। चलिए तो देखते हैं, 59 का क्यूब निकालना है अपने को, तो पहले का क्यूब करना है ए का क्यूब, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो 125 हो गया, फिर क्या करना है दूसरे में कि ए स्क्वायर बी करना है अपने को, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 गुने 9, तो 25 गुने 9 कितना होगा, 25 नवा कितना होगा बच्चे जोड़ के बताओ, 225, तो 225 लिख दिया। चलो अब ये होगा बी ए बी स्क्वायर यानी 5 गुना 9 का स्क्वायर, 81 गुने 5 है ना, 81 गुने 5 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 405, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर आपको बना के ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। और बी यानी कि 9 का क्यूब कितना होगा बच्चे, तो ये देखो यही चीज बोल रहा हूँ कि 9 का क्यूब होगा 729, यही चीज आपको याद रखना है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रहेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको डबल कर दो, तो देखो 225 है उसका डबल कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा, और 405 का डबल क्या हो जाएगा, 405 का डबल क्या हो जाएगा बच्चे, तो 810 हो जाएगा। ओके क्लियर है, अब इनको क्या करना है हमें जोड़ना है, तो 9 इसका आया और 72 कहाँ गया, तो हमारा गया कैरी में, ठीक है तो 405
प्लस 810 और प्लस क्या करना है अपने को 72, तो कितना आएगा बच्चे 2527, तो 7 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, और ये हो जाएगा 8 4 12 120 और 27 28 128, यानी कि 128 जो होगा वो हो जाएगा कैरी में हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 128 को जोड़ दो प्लस सॉरी हाँ 128 को जोड़ दो प्लस 225 को जोड़ दो और प्लस क्या कर दो 450 को जोड़ दो, तो जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, तो 8 5 13 का 3, बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा, ठीक है। तो कितना कैरी बचेगा, 12 22 45, यानी कि 80, ठीक है, यानी कि 80 जो है वो गया कैरी में। तो अब 125 और 125 प्लस 80 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 रुपया 205, तो ये हो जाएगा आपका 59 का Q। तो देखा इतना बड़ा लेंदी था, फिर भी आपने कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लिया, तो ये आप प्रैक्टिस पे इसको बहुत ही ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना, और इसका वैसे मैं पीडीएफ भी दे दूंगा अभी आपको, ठीक है, पूरा पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, वहां से आप पूरा बनाया हुआ ये जितना भी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और भी खुद से करना, एग्जाम में आ सकते हैं, क्यूब से रिलेटेड था, और हम कल देखेंगे हो सकता है तो क्यूब रूट से क्वेश्चन, जी हाँ क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।